प्रयास करने आए हैं, आपसे अपील करने आए हैं कि बिना घंट को अभी दानव से मुक्त कर। बहुत दिन आप लोग बेला गैंग में गुलामी से, और इसीलिए दानव से बेला गैंग को मुक्त करना है। इसीलिए हम लोग आज चुनाव प्रचार यहां से बाबा कोटेश्वर धाम पेट माथा टेक के और उसका दानव से बेला गैंग को मुक्त कराने का है। बाबा कोटेश्वर धाम आने के लिए कई बार हमको जज साहब ने कहा, लेकिन आने का मौका नहीं मिला। शायद बाबा को यही मंजूर था कि बेलागंज को दानव से मुक्त कराने के दिन आप मेरे यहां आए। आज बाबा ने बुलाया और हम लोग चले आए, और कह रहे थे कि इधर का सड़क, जब हम पथ निर्माण मंत्री थे तो कई सड़क हमने बनाया, सिंचाई मंत्री थे तो कई नहर किसानों के हक में सिंचाई के लिए बनवाया, कैसे हो। नीतीश कुमार जी ने हमको एक काम दिया और नीतीश कुमार जी की सरकार जो है वो काम करने में विश्वास करती है, तभी ना हम लोगों ने मौका दिया, मौका मिला और आपके हक में काम हुआ, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो। तो ये काम करने का तरीका, नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 19 साल अभी हुआ है, 18 साल कहिए, बीच में 1 साल जीतन राम मांझी को दे दिए थे, तो 18 साल, और अभी जब 2025 में चुनाव होगा तो 19 वर्ष पूरा हो जाएगा, 19 साल मुख्यमंत्री रह गया। क्या था बिहार में पहले? कुछ नहीं था, न सड़क था, न बिजली थी, न कानून व्यवस्था था, न गरीब गुरुआ के लिए कोई व्यवस्था थी, कुछ नहीं था। बिहार का बजट 25,000 करोड़ रुपया होता था। जो पति पत्नी हैं उनके राज्य में 25,000 करोड़ रुपये का बजट होता, और मार जाते आते तक 17-18 हजार करोड़ पर टाइम हो जाता। आज बिहार का बजट 2,72,000 करोड़ रुपया है, 2,72,000 करोड़ रुपया, आप समझिए कि कहाँ 25,000 करोड़ और कहाँ 2,72,000 करोड़। वही बिहार है। कोई नीतीश कुमार जी ने बिहार में कोई पैसा उगाने का कोई गाछ नहीं लगाया। उसी बिहार से आज 2,75,000-72,000 करोड़ रुपया जनता के हक में और विकास के काम पर खर्च किया जा रहा है। इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार जी ने ईमानदारी के साथ एक एक पैसा जनता के हक में लगाने का उन्होंने काम किया। इसके पहले वाला जो पति पत्नी का था, जो यहाँ जो गुलामी आपका जो यहाँ का बना हुआ दानव है, इसी दानव के गुरु न थे? चारा घोटाला, दौड़कतरा घोटाला, तो फलना घोटाला, खाली घोटाले में सब पैसा आपने, राज्य के खजाने का पैसा आपने पास चुरा लेते, राज्य के खजाने का पैसा की चोरी होती। अभी ऐसा समझिए, देखिए ना आप, कि जो राजा हो, जिसको जनता ने, प्रजातंत्र में जनता ने ये भरोसा दिया कि आप मेरे खजाना की रक्षा करो, आप मेरे खजाना से मेरे हक में कोई काम करो, उसी खजाना को लूटे राजा, ऐसा नहीं होता। ये इतिहास भी नहीं है, इतिहास बनाया इसने। दौरा क्या है, 5-5 साल मुकदमा, 5 केस में मुकदमा ने सजा हो गया, तो अब आराम से बैठे हुए हैं, आराम से बैठ के घर से प्रवचन दे रहे हैं, और घर से प्रवचन दे रहे हैं तो आप बेलागंज के लोगों को, अभी नीरज जी कह रहे थे कि बेलागंज में कुछ लोग कहता है कि डर लगे, कहेगा डरना, नीतीश कुमार जी के राज में कोई डरने का जरूरत है? नीतीश कुमार जी के राज में सेना सब के कहे कि तुमको नहीं देंगे वोट, जो ताकत है तुमको, तुम हमारा बिगाड़ लो, तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम जब 1995-96 में चारा घोटाला का मुकदमा लड़े, नैतिक पर होना चाहिए,
हमने जब चार घोटाला का मुकदमा शुरू किया उनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए हमको विधायक कर लिए तक नहीं, कि हम सांसद कर लिए, कि हम सुरक्षा लेके घूमवा लिए। अरे पटना शहर में हम अकेले स्कूटर से घूमते थे और डाक बंगला चौक पर जाके उनके समर्थकों के बीच खड़ा होते थे। क्या कहने का तू? या तो रखे या मार सके ना तू, क्या कर लेगा तो बिगाड़ लेगा। किसी को भ्रष्ट आदमी को चोर को ताकत नहीं होता, जो भ्रष्टाचारी होता है उसको नैतिक बल नहीं होता है। ये तो वही कहावत है कि कोढ़िया डरावे थूक से, अरे कोढ़िया के थूक के डराने से आ गाय मरा है कहीं कैसा कसाई कैसा अपना से कोई नहीं होता है, आप लोगों से ही आग्रह। ये काम नीतीश कुमार जी ने काम किया होगा और सिर्फ विकास का काम नहीं किया बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, नली गली के क्षेत्र में, हर घर नल का जल पहुंचाने के क्षेत्र में सब काम उन्होंने किया। और उसके साथ साथ समाज के हर तबके के विकास के लिए, उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। अभी पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज कितनी बड़ी संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आज कितनी बड़ी संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग, पंचायती राज व्यवस्था, महिलाओं के लिए 50% उन्होंने दिया, महिलाओं में कोई भी जाति का विभेद और समाज का विभेद नहीं किया, बल्कि सीधे महिलाओं को 50% आरक्षण उन्होंने दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आज है, आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद के अध्यक्ष है, मेयर है, डिप्टी मेयर है। समाज के हर तबकों के लिए विकास के लिए काम, दलित समाज में भी दलित वर्ग में भी जो सबसे कम कमजोर दलित वर्ग के लोग थे महादलित बना के उन्होंने महादलित वर्ग के लोगों के लिए हक में काम करने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने तो सबके लिए काम किया, सामाजिक उत्थान के लिए काम किया, समाज को सशक्त बनाने के लिए काम किया। और दूसरी तरफ जो है बेलागंज में तो आपसे ज्यादा कोई नहीं भुगता होगा, आप सब लोग भुगतते रहे, आप सब लोगों ने देखा है इतने दिन तक बेलागंज जो है वो एकदम चंगुल में पड़ा हुआ है, जैसे लगता है कि बेलागंज के जमींदार हम लोग यही कहने के लिए है कि अभी बेलागंज विधानसभा क्षेत्र को गुलामी से मुक्त करिए, दानव को भगाइए और यहां रामराज कायम करिए। कोई हो, मनोरमा देवी जी है, मनोरमा देवी जी हम लोग की पार्टी में ही है बहुत दिनों से, उनको हम लोगों ने दिया है, मजबूती से बेचारी लड़ रही है चुनाव, और मजबूती से अगर चुनाव लड़ रही है तो उनको जिताना है। आपका समर्थन मांगने हम लोग आए, सब लोग एकजुट हुई। और ये नहीं होगा कि भाई ठीक है वोट तो हमें दे दो, आराम से नहीं, इस बार आपको आक्रामक होना है, एग्रेसिव जिसको कहते हैं, एग्रेसिव होके 7 बजे सुबह बूथ पर लाइन लगा दीजिए और 11 बजे तक बूथ का वोट खत्म कर, तब हो तो कि हमनी की आदत है, देखो हमनी की आदत है क्या, नहा लेवे खा लेवे तब न देवे, तब नहाए खाए के चक्कर में रहो तो फिर गुलाम होगी, इसलिए गुलामी से मुक्त करना बड़ा बढ़िया है। मनोरमा देवी का ऊपर वाले का सब कृपा है, बाबा कोटेश्वर धाम का कृपा है, बाबा कोटेश्वर का कृपा है कि मनोरमा देवी ईवीएम में 1 नंबर पर है, कहीं बोलने का भी जरूरत नहीं है, 1 नंबर दबाइए और मनोरमा देवी को 1 नंबर बनाइए, दोनों काम करिए, दबाइए बटन दबाइए और उनको 1 नंबर बताइए, और करके कितना नंबर करेंगे, 3 नंबर पर बताइए, 3 तीन तसिया आदमी है तो 3 तसिया आदमी है तो 3 नंबर पर, 3 तसिया आदमी को अभी मुक्त करिए और 1 नंबर को 1 नंबर बनाइए, यही आग्रह और अपील करने आए हैं।